हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समर्थक। स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं जिस फोन की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ उस फोन का नाम है Redmi 11 Prime 5G। तो दोस्तों, ये है मेरे पास Redmi का 11 Prime 5G और आज मैं करने वाला हूँ इसी बॉक्स की अनबॉक्सिंग और आपको बताऊंगा इसके सारे फीचर्स और सारे डिटेल्स के बारे में। दोस्तों, स्पेशली जो Redmi ने जो फोन दिया है इसके फीचर्स और चीज़ों को लेकर मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ और मुझे पता है कि इसके काफ़ी जो इसमें फीचर जो दिए गए हैं वो एकदम इसमें कंपनी ने भर भर के दिए हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं बॉक्स, एक बार बॉक्स में डाल लेते हैं नज़र। तो यहाँ पर बॉक्स पे इसके कुछ हाईलाइटेड फीचर्स हैं और यहाँ पे एक अच्छी सी चीज़ है कि मेड इन इंडिया का आपको लोगो लगा होगा मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेड इन इंडिया है, यानी मैन्युफैक्चरिंग इसकी हुई है, Redmi ने जो की है वो मेड इन इंडिया है। अब दूसरी बात करते हैं, तो जैसे ही ओपन करते हैं तो ओपन करते ही सबसे ऊपर ही हमें इसमें रखा मिलता है एक बॉक्स। ये बॉक्स तो अधिकतर सभी फोनों में आता है, तो इसमें कुछ ऐसा कोई खास नहीं है, बट नॉर्मल से एक ट्रांसपेरेंट सा बॉक्स है। इसको करते हैं साइड में। फिर इसके बाद में सेकंड नंबर पर हमें अपनी आँखें मिल जाती है डिवाइस। दोस्तों, बॉक्स से बाहर निकल के आती है ये हमारी डिवाइस जिसका नाम है Redmi 11 Prime 5G। अब दोस्तों, इसका ये जो आप ब्लैक कलर देख रहे हैं, ये थंडर ब्लैक कलर जो है Redmi ने इसको नाम दिया है। इस कलर बॉक्स में मिलता है 22.5 वाट का एक फास्ट चार्जर और ये जो हमारा मोबाइल है वो 18 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन फिर भी Redmi ने यहाँ पे 22.5 वाट का एक फास्ट चार्जर दिया है और वो भी टाइप सी केबल के साथ। दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको इसकी फ़ोन की प्राइसिंग बता देता हूँ। तो ये जो फ़ोन है वो मार्केट में केवल जो है 13,500 रुपये में अवेलेबल है और ये 5G फ़ोन है वो दिया गया, यानी कि आप यहाँ पर 2 SIM और एक मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हो। तो Redmi ने यहाँ पर एक और अच्छा काम किया है कि आपको ट्रिपल स्लॉट दिए गए, यानी कि 2 SIM और मेमोरी कार्ड का भी इन्होंने यहाँ पे आपको सपोर्ट दिया है। मैं बात करता हूँ इसके इंटरनल फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों, ये 5G फोन है। दूसरी चीज़, इसमें MediaTek का Dimensity का 700 का प्रोसेसर भी दिया गया है जो आपके कुछ इसके फ्रंट से कैमरा से लिए गए फोटोज हैं और यहाँ पर इसके बैक कैमरा से कुछ लिए गए फोटोज हैं। इसमें मैं आपको बता दूँ तो इसमें जो है Corning Gorilla Glass की प्रोटेक्शन दी गई है। इसके साथ साथ इसमें आपको 4GB की जो आपको इंटरनल मेमोरी दी गई है, रैम दी गई, वो तो है ही, इसके साथ में 2GB का एक्सटर्नल आपको रैम का भी सपोर्ट मिल जाता है। IR रिमोट कंट्रोल भी दिया गया है और इसके साथ ही साथ इसमें Corning Gorilla Glass का भी प्रोटेक्शन है। तो ये आपको Corning Gorilla Glass इस फोन में आपको मिल जाएगा और इसका जो MediaTek का Dimensity का 700 का जो प्रोसेसर है वो केवल 7 नैनोमीटर का प्रोसेसर है। और दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि जितना छोटा प्रोसेसर होता है उसका फोन का काम करने का प्रोसेसिंग बहुत ही उतनी ही फास्ट होती है। तो यहाँ पे 7 नैनोमीटर का आपको प्रोसेसर भी दिया गया है और अगर बैटरी बैकअप की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 5000 mAh की बैटरी भी मिलती है। दोस्तों, अगर इसमें डिस्प्ले की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 6.6 इंच की एक बड़ी सी IPS LCD डिस्प्ले मिलती है। तो दोस्तों, आपको इस 13,500 में ओवरऑल पैकेज मिल जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर फोन से जुड़ी कोई भी समस्या कोई भी चीज़ हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसकी अपनी राय आपको जरूर दूंगा।